तुमको बुरा नहीं लग रहा है? ना अच्छी लगा? बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। झूठ बोल रहे हैं, इनको रोना आ रहा है। तो जोशी जी की तैयारी चल रही है जोर शोर से, और हमने अभी बहुत सारी फोटो क्लिक करी हैं, आप लोग देख लेना। और इस बार जोशी जी बॉर्डर में नहीं जाएंगे, वे आ जाएंगे। तो खुशी कह रही बहुत ही नजदीक जा रहे, पीछे से जा रहे हैं। मैं नहीं जाऊं? हाँ रहने दो, रहने दो, चलो रहने दो, रहने दो, रहने दो, आओ। पैसे वैसे नहीं तो दोस्तों अभी पैकिंग शुरू हो गई है जैसे जी। चल नीलू, नीलू ने छू दिया, उधर ने छू। मुझे ही मिलेंगे अभी 500 रुपए। बोलो से 500 रुपए खुशी को। मुझे खुशी को ही क्यों? औरों को, औरों को दो छल्ले बराट नच्चे बराटे, नच्चे बराटे यार। चीन चल्ले चल्ले बोल दे। आंसू साफ कर लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ अंदर को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ जानकी जोशी, हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। तो आज है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन की सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। जो भी मेरे भाई बहन मुझको देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो आप सभी को भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आज है रक्षाबंधन का त्यौहार, और आज की ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से, और हल्दू चौड़ से, हल्द्वानी की जो हल्दू चौड़ है, मतलब हल्द्वानी से 20 किलोमीटर जहाँ हम रहते हैं वहाँ से 20 किलोमीटर आगे पड़ता है चौड़, और यहाँ रहती है मेरी ननद। तो आज हम आए हैं अपनी ननद के यहाँ, हम कल आ गए थे, कल शाम यहाँ पर। तो कल यहाँ हमने स्टे किया था, मतलब हम कल यहाँ पर रहे थे, तो हम यहाँ पर आ गए थे कल दोस्तों, क्योंकि मेरी दीदी यहाँ पर रहती हैं, जोशी जी की सिस्टर। तो आज उनको राखी बांधने के लिए, इसलिए हम कल यहाँ पर आ गए थे। तो आज बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी ना हो, इसलिए हमने कल यहाँ पर आ गए थे पूरे परिवार के साथ, मेरे चारों बच्चे, मैं और मेरे हस्बैंड, हम कल रात ही यहाँ पर आ गए थे। तो बहुत अच्छा रहा कल का दिन और कल की रात, और आज का दिन भी बहुत मस्त होने वाला है, बहुत अच्छा व्लॉग बनने वाला है। और बहुत खुशी का दिन है, रक्षाबंधन का दिन है। तो आप सभी को भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी भाई बहन मेरे को देखते हैं उन सभी को मेरी तरफ से राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ दोस्तों, बहुत फिर सारी शुभकामनाएं। और अभी हो रहा है सुबह के 8 बजे का टाइम, तो 8 बजे ये मस्त धूप आ गई है यहाँ पर। गांव में हम आज, तो बहुत धूप आ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। हम सब नहा धो के तैयार भी हो गए, रेडी भी हो गए। मेरी आज स्वेलिंग से पूरा मुंह जो है सूज गया, कल रात ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा दही खा दिया था, चावल खा दिया था, और उसके बाद एसी में सो गए थे, तो उसकी वजह से थोड़ा मुँह में ना बहुत ज़्यादा चेहरे पर स्वेलिंग आई है, बहुत ज़्यादा आई थी सुबह, अभी तो बहुत कम हो गई है। तो तैयार तो हो गए हैं, मैंने रेड कलर की साड़ी पहन ली है, वही वाली जो मैंने जिस दिन जोशी जी आए थे वो पहनी थी, वही वाली साड़ी पहनी है। कैसी लग रही है ये देखो, और ये साड़ी पहन के मैं भी तैयार हो गई हूँ, जोशी जी भी तैयार हो गए, बच्चे सभी तैयार हो गए, अभी आपको दिखाती हूँ। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी है और दुख वाला दिन भी है, क्योंकि आज मेरे पौची साहब जा रहे हैं पूरी छुट्टियाँ बिता के, तो थोड़ा सा दुख हो रहा है, और थोड़ा सा क्या बहुत हो रहा है, मैं अभी रोने में लगी थी, मेरे आंखों में से ये आंसू देखो आप, आंसू निकले हुए हैं, क्योंकि आज जोशी जी जा रहे हैं, 2 महीने पूरे हो गए हैं उनको, तो बहुत बिजी होने वाला है आज का दिन। तो चलते हैं, बने रहे व्लॉग में, राखी वाखी बांधते हैं उसके बाद निकलते हैं। तो आंसू साफ कर लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ अंदर को। भांजी साहब तैयार हो गए हैं, और मेरी भांजी क्यूट सी बेबी को तैयार कर रही हैं, वृंदा को। हेलो वृंदा, आज वृंदा की भी तबीयत सही नहीं है, और जोशी जी भी तैयार हो गए हैं, हस्बैंड जी तैयार होके बैठे हैं, जिया जी भी साथ, जिया जी भी तैयार हैं अपनी बहन को राखी बांधने के लिए, और जोशी जी भी तैयार हैं अपनी बहन को राखी बांधने के लिए, और सेजल अभी तैयार हो रहे हैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए। तो सभी भाई बहन का जोड़ा यहाँ पर है राखी, हाँ। और मेरे बच्चे भी तैयार हो चुके हैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए, निहारिका तैयार हो गई है, मेरा बेटा देखो हाय करो बाबू, ये देखो कितना स्मार्ट बना है मेरा काना, तैयार हो गया। लेकिन रक्षा बांधते समय जूते खोल लेना, ठीक है बेटू। और दीदी भी तैयार हो गए हैं अच्छे से, नानू अभी तैयार नहीं हुए, नानू तैयार हो जाओ। खुशी भी तैयार हो गई है अपने भाई को राखी बांधने के लिए, दीदी की राखी तैयार होने लगी है, ये राखी की थाली सज चुकी है, सजने वाली है अभी सजने, ये देखो
सज रही है राखी की थाली, तो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं राखी बांधने के लिए। भाई बहन और मेरे बच्चों की सभी की राखी होने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पर मिठाई लेने के लिए। मिठाई लेने के बाद मैं जाऊँगी अपने मायके, तो यहाँ पर ना वॉइस अच्छे से नहीं आ रही थी तो इसलिए मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ, तो हम मायके जा रहे हैं करके मैं यही बोल रही थी। तो मैं मायके जाऊँगी अपने भाई को राखी बांधूँगी और अपने पापा से मिलूँगी और वहाँ से फिर हम जाएँगे घर को। तो हम पहुँचने वाले हैं अपने मायके, अभी हम हैं मुखानी में और उसके बाद आएगा लाल डांट। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, अपने मायके पहुँच गई हूँ मैं। तो यहाँ तो ऐसे ही हो रहा है, मेरे पिताजी की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है जब से यहाँ पर गई हूँ, मतलब रोने में ही थी मैं। बाबू को देख के बहुत अजीब हो रहा था और कहते हैं इस बार की राखी भी हमारी उतनी अच्छी नहीं रही हम भाई बहनों की, क्योंकि सभी उदास बैठे हैं। मेरी इज्जत इतना रो रही थी यहाँ पर, रोने में लगी थी मेरी माँ भाभी, सभी लोग रोने में लगे थे। बाबू को देख के अजीब हो रहा था तो बहुत रोई मैं यहाँ पर। घर आके इतना मूड ख़राब हो गया था थोड़ी देर तक, तो फिर राखी की वीडियो भी नहीं बना पाई। यहाँ पर ताई ने फिर रक्षा धागा वगैरह बांधा हमको और रक्षा धागा बांध के फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। तो ये मेरे छोटे भाई की बीवी, मेरे बच्चे वगैरह, मतलब मेरी दादा की बेटी वगैरह सब लोग यहाँ पर आए थे। तो उसके बाद हम यहाँ से आ गए थे विदा होके सीधे घर। दोस्तों तो अभी शाम का टाइम हो गया है, इवनिंग टाइम हो गया, टाइम भी 5 बजने वाला है और हमारी पूरी जोशी जी की तैयारी जाने की, मौजी साहब की छुट्टियाँ जो है वो पूरी हो गई हैं तो उनके जाने की तैयारी हो रही है। तो मायके से निपट के भी आ गई थी और दीदी के यहाँ से भी निपट के आ गई थी। उसके बाद फिर हमने घर में खाना तो बनाया नहीं, खाना खा के आए थे हम लोग, थोड़ी देर आराम किया और अब हम कर रहे हैं मौजी साहब के जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो छुट्टियां कब निकल जाती हैं पता नहीं चल रहा और नहीं चलता है। तो इस बार की छुट्टियां ऐसी घूमने फिरने में हंसी मजाक। यहाँ पर सब ने मेहंदी लगा रखी है रक्षाबंधन में, देखो मेरी भी, मैंने भी लगाई है, मेरी तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। देखो ये देखो और ये देखो, पूरा हाथ भर रखा है बच्चों ने और शिखा ने अपने हाथ में लिखा है राधा कृष्ण। तो दोस्तों अभी पैकिंग शुरू हो गई है जोशी जी की, मतलब अभी मैंने कपड़े सब ढूंढ डांट के रखे हैं तो जोशी जी खुद ही अपने कपड़े पैक करते हैं क्योंकि वो अपने हिसाब से रखते हैं। तो थोड़ी बहुत जो कपड़े हैं मिले हैं मेरे को मैंने रख दिए हैं, उनके कागज़ वगैरह सब, और ये अभी प्रेस करने के लिए तो ये रखे हैं प्रेस करने के लिए, इनमें अभी जोशी जी प्रेस करेंगे खुद ही। हाँ मैं तो थकी हूँ बहुत ज़्यादा। और क्या किसको? मुझे मिलेंगे 500 रुपये। बोलो 500 रुपये खुशी को। मुझे खुशी को ही क्यों? और उनको और उनको मुझे दो। तो जोशी जी की तैयारी चल रही है जोर शोर से और हमने अभी बहुत सारी फोटो क्लिक करी हैं, आप लोग देख लेना। और चेहरा तो बिल्कुल बेकार सा हो रहा है, काला पट्ट, लेकिन फोटो देख लेना कैसी आई है। हम दोनों ने आर्मी कैप पहन के फोटो खींच रखी है और हो सकता है तो मैं उसको डीपी भी लगा सकती हूँ। यहाँ पर चल रही है उनकी पैकिंग, खुशी ने सारे कपड़ों प्रेस कर दी है पापा की और अब हम बनाते हैं खाना, इनके खाने की तैयारी करते हैं। और इस बार जोशी जी बॉर्डर में नहीं जाएंगे तो इस बात की हमको बहुत ज़्यादा खुशी है। वो जा रहे हैं बहुत ही नज़दीक हमारे घर के, मतलब मेरठ जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी घर भी आ जाएंगे। तो किसी कह रही बहुत ही नजदीक जा रहे, पीछे से जा रहे हैं। रहन दो रहन दो, चलो रहन दो रहन दो रहन दो, नहीं नहीं रहन दो। इनका कहने का मतलब ये है
कि मैं दिखा सकता हूँ कि मैं अपनी छुट्टी बढ़ा सकता हूँ, अपनी पावर दिखा सकता हूँ। तो दिखा लो, कोई नहीं, हम रह जाओ। हाँ हाँ दिखाओ, पैसे भी सुनाएंगे। चलो बैग क्लोज करो, हटाओ, छुट्टी बढ़ा दी। अब देख लो इतने माल हमारी पावर देख लो। चलो जैसे जैसे आपकी पावर देखते हैं आप। तो ऐसा कुछ नहीं है जोशी जी, जा रहे जोशी जी जा रहे हैं और हो सकता है फिर जल्दी से आ जाएं। तो अभी हम करते हैं खाने पीने की तैयारी। ये सीखा तो मेरे को दिन भर फत 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 मारने में रहती है। तो अभी हम चलते हैं, तैयारी करते हैं खाने पीने की। मुझे इससे गर्म हो गया बहुत ज़्यादा, ये देखो बाल कैसे हो गए, बाप रे गर्म। बाल देखो चार बाल जो जी बोलते हैं चार बाल, तो चार बाल हैं मेरे, ये चार अब हो गए हैं चार बच्चे होने के बाद। तो अभी हम करते हैं, आज बहुत मजाक सजाग हो गई है, अब करते हैं तैयारी, इसको मत खा तू। फाइनली दोस्तों जोशी जी के जाने की तैयारी हो गई है, सब्जी बना रही है, हमने मिक्स वेज बना रखी है जो कि हमने रख भी दी है टिफिन में, इसमें पैक करके, और इसमें उनके लिए रखा है, दिखाती हूँ आपको क्या रखा है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि दिखाया नहीं, और बोल दिया कि ये रखा है, क्या रखा है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो। तो इसमें मैंने रखा है एक डे सलाद, इसमें दो पीस मूली के, टमाटर, दो हरी मिर्च, और इसमें चुकंदर, चुकंदर भी काट के रखा हुआ है, ये इनके लिए मैंने रख दिया है। और पराठे बन रहे हैं, छल्ले पराठे बना रही हूँ, खुशी लच्छे पराठे छल्ले पराठे लच्छे पराठे यार, छल्ले बोल रहे। तो खुशी बना रही है अपने पापा के लिए बहुत ही प्यार से लच्छे पराठे, ये अजवाइन डाल रही है इसमें, और दो बन चुके हैं, अभी तीसरा पापा ने दो ही बोला है, लेकिन खुशी पापा के लिए तीन रख रही है। तो ये देखिए खुशी का स्टाइल, तो ये देखिए खुशी का स्टाइल, खुशी बना रही है पापा के लिए लच्छे पराठे, अच्छे पराठे। चल ठीक है, क्या ठीक है, ठीक ही तो नहीं है फिर। तो जाने में तैयार हो गए हैं, बस 8:40 की ट्रेन है, तो अभी निकलेंगे। तुमको बुरा नहीं लग रहा हैं? ना, सच्ची ना? बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। झूठ बोल रहे हैं, इनको रोना आ रहा है। चलो तो फाइनली जाने का टाइम हो गया है, 8 बज चुका है दोस्तों, हम लोग निकल रहे हैं, मैं जा रही हूँ छोड़ने के लिए जैसे को। चलने दो निरु ने छू दिया, उधर ने छुआ है वो वहाँ पार्टी कर रहा है, देखो बाय। मैं भी जा रही हूँ पापा के साथ। तो हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन दोस्तों, सीधी जा रहे हैं, ट्रेन ही लगी हुई है, बस छुट्टी पूरी हो चुकी है। बाय।